आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन चार पैटर्न्स के बारे में। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे पैटर्न्स देखे हैं, अब जो हमारा नया पैटर्न है ये हमारे चार पैटर्न्स हैं। तो अगर हम बात करें कि इन पैटर्न्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनके लॉजिक को कैसे लिखेंगे और इनके प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या करना होता है, जो भी पैटर्न आपको दिया रहेगा आपको ग्रिड्स में डिवाइड करना है। आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, ग्रिड्स में डिवाइड करोगे। और मैं ऐसा करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी, जो भी लॉजिक आपको क्रिएट करना है वो आपको आसानी से पता लग जाएगा जब आप इसको ग्रिड्स में डिवाइड करते हो। तो सबसे पहले हम इसको ग्रिड्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो ग्रिड्स में डिवाइड करने के बाद अब आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ पर जो आपका रो नंबर है ये है 1, ये 2, इस तरह से आप जब नंबरिंग कर लोगे ये आपके 7 रो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है एक आउटर फॉर लूप यूज करूँगा जो आपका जो होगा नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा, कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम आउटर फॉर लूप यूज करेंगे और यहाँ पर एक हम वेरिएबल लेंगे इंटीजर, ठीक है, आई नाम का, और ये इसको इनिशियलाइज किया मैंने -3 से। आई यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, रो को। अब एक चीज़ जो है काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ये चीज़ कैसे पता लगती है कि हम किससे इनिशियलाइज करें यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा कोई जादू या ट्रिक नहीं है कि हम -3 से इनिशियलाइज कर रहे हैं मुझको पता चल रहा है, ये जो है एक प्रैक्टिस है। आप जैसे जैसे पैटर्न्स को प्रैक्टिस करोगे आपको भी दिखने लगेगा कि आखिरकार हम कैसे जो इनिशियलाइज करें। आप जो है यहाँ पर किसी और भी नंबर से इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन हम एक ऐसे नंबर से इनिशियलाइज करते हैं कि जो हमारा कॉलम प्रिंट हो रहा है वो जो है इस नंबर के अकॉर्डिंग ही प्रिंट हो जाए, हमें आसानी हो जाए कि जो कॉलम प्रिंट हो रहा है और जो हमें वहाँ पर कंडीशंस देनी है वो जो है इसके अकॉर्डिंग ही हो जाए, ठीक है। तो हमने जो आई को चूज किया है वो जो है -3 से इसलिए चूज किया है कि आपको कॉलम्स प्रिंट करने में आसानी होती है और आपको जो कंडीशन लिखने हैं वो भी आसानी से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने -3 से इसको इनिशियलाइज किया है। अब यहाँ पर कितने तक ले जाना है, तो सपोज यहाँ पर -3 -2 -1 फिर हो जाएगा 0 पे आपका ये वाली जो रो है ये हो जाएगी आई की वैल्यू उस पर 0, फिर ए 1 और ए 2 और ए 3, यानी कि आपकी आई की वैल्यू जो है 3 तक जाएगी। आपको क्या करना है, आई की वैल्यू जो होगी वो होगी लेस देन और इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस होगा। यहाँ तक समझ में आता है। इसका असर आपका क्या होगा कि एक इनर फॉर लूप यूज करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप यूज करेंगे और यहाँ पर जो हम कॉलम्स को देखेंगे कि कितने हमारे कॉलम्स हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे एक जे नाम का वेरिएबल, ये है आपका कॉलम के लिए हमने क्या किया इंट जे, और इसको किससे इनिशियलाइज करना है यहाँ पर देखिए। आप जब आपका रो नंबर 1 है तो 1 स्टार प्रिंट कर रहा है, रो नंबर 2 है तो 2 स्टार प्रिंट कर रहा है, 3 है तो 3 स्टार प्रिंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो आई की वैल्यू का क्या है, -3 -2 और यहाँ पर -1 फिर 0 फिर 1 2 और 3, ठीक है, -3 पर और 3 पर, -2 पर 2 पर और -1 पर -1 पर और ये है 0 पर, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं वो आई के अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहे हैं। और उसमें एक चीज़ का और रोल है, आपका जो जे है उसका भी इसमें एक रोल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जे को हम कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, जब आपका -3 है तो यहाँ पर एक बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जब जो है -2 हो रहा है तो 2 बार प्रिंट कर रहा है और जब -1 हो रहा है तो 3 बार, यानी कि अगर हम जे को इनिशियलाइज कर देते हैं 3 से, तो 3 यहाँ पर जब इनिशियलाइज हो रहा है इसकी भी वैल्यू -3 है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के इसको 3 कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन जो हो जाएगी वो देखिए, कंडीशन होगी आपकी यहाँ पर आपका -2 हो जा रहा है तो -2 पर 2 बार प्रिंट हो रहा है, यानी कि जो जे की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई लिया है, यानी कि फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर आई की एब्सोल्यूट वैल्यू, आई की वैल्यू 3 होगी, तो 3 से जो जे की वैल्यू जब भी ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी उसके,
को प्रिंट करेगा, यानी कि इस टाइम पर जे कॉल क्या होगी, फ्री होगी, और यहाँ पर इसको लेके एक बार प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस जाएगा। आपको जो है पता होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है, आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक बार चलेगा, फिर जो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब फिर जे की वैल्यू 3 से इनिशियलाइज होगी और उस टाइम पर आपकी आई की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस 2 होगी और एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 2, तो उस टाइम पर जो है जे की वैल्यू 3 ग्रेटर है, फिर जो है माइनस माइनस होकर के 2, यानी कि दो बार तक चलेगी। यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, इसके अंदर भी हमारा एक यूज होगा प्रिंटफ और स्टार प्रिंट कर देंगे, और इसके बाद हमारा क्या होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर बैक स्लैश एम, और ये जो है आउटर फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट भी बंद हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपका पूरा जो है पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है एब्सोल्यूट वैल्यू यूज किया है, तो आपका यहाँ तक पूरा चलेगा सात बार, ठीक है। तो अभी एक चीज़ हमने देखा कि जो सेप है, जो कुछ सेप को हम प्रिंट कर दे रहे हैं, बाकी जो भी पैटर्न आपके तीन हैं इनमें हमें क्या करना है, बस नंबर्स को प्रिंट करना है, क्योंकि हमने शेप को देख लिया है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि नंबर्स कैसे प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका फर्स्ट रो है इसमें क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 से 3 और 2, फिर इसमें 3, 2, 1, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो आपकी जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है वो 3 से इनिशियलाइज हो रही है और फिर माइनस माइनस होकर जा रही है, यानी कि डिक्रीमेंट हो रही है। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे परसेंट बी, ठीक है, और हम जे को अगर प्रिंट करा देते हैं तो हमारा पूरा जे वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अभी तक हमने दो पैटर्न देख लिए, अब तीसरा पैटर्न में भी थोड़ा सा क्या है कि जो डिजिट्स हमें प्रिंट कराने हैं उसी को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, बाकी जो है हमारा पूरा सेप का जो है यही रहेगा कि यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी, किससे इनिशियलाइज करना है, यहाँ पर किससे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, फिर यहाँ पर फिर 1 हो गया, फिर 0, 1, 2, 3, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है एक करके, ठीक है। अब देखिए आपके आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आई की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, एब्सोल्यूट जो आई होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट आई 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1, 2, 3, इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 से फिर 3 हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एक और वेरिएबल हम यहाँ पर यूज करेंगे, और सपोज हमने यूज़ किया एक वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप है इसका, और m नाम का वेरिएबल हमने यूज़ किया, इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसमें हम रख देंगे m में एब्सोल्यूट वैल्यू i, ठीक है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू i है अब वो m में होगी, और जैसे ही इसको फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, इसको हम बार बार इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसके बाद हमने क्या किया m की वैल्यू को इस वाले फॉर लूप के बाद से m इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i रख देंगे, जितनी बार भी हमारा i की वैल्यू माइनस 3 होगा, फिर उससे माइनस 2 होगा, माइनस 1 होगा, फिर 0 होगा, तो सब जो है यहाँ पर ये जो है इसमें असाइन हो जाएगा m में। अब हमें क्या करना है, ये जब फॉर लूप चलेगा इनर फॉर लूप, ये किस कब प्रिंट होगा, इस तरह से ए वाला कॉलम और ए वाला कॉलम, ये कब प्रिंट होगा, एक एक जब जो है इनर फॉर लूप चलेगा, और इनर फॉर लूप चलेगा तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप प्रिंट कराओगे एम, और जैसे ही एक प्रिंट होगा उसके बाद से एम प्लस प्लस कर देना है, ठीक है, और जैसे इस फॉर लूप के बाहर आएगा फिर न्यू लाइन, और न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद से यहाँ से फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू प्लस प्लस होने के बाद से आपका क्या करेगा, यहाँ पर जो है एम में असाइन करेगा आई की वैल्यू, एब्सोल्यूट आई की वैल्यू, और फिर यहाँ पर माइनस 3 से माइनस 2 और उसकी एब्सोल्यूट आई हो जाएगी 2, तो यहाँ पर फिर 2 यहाँ पर प्रिंट करेगा, फिर 2 से 3 प्रिंट करेगा, इस तरह से ऐसे ही आपका ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो है ये तीनों पैटर्न कवर हो चुका है, और जो चौथा वाला हमारा है पैटर्न, इसमें हमें क्या देखना है, ये देखिए ये वाला और ये वाला पैटर्न एकदम सिमिलर है, अगर पीछे की वीडियोस देखें आपने तो आपको पता लग गया होगा कि हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। जो आपका कैपिटल डी है उसका जो आस्काई वैल्यू हो जाएगी 65, कैपिटल ए की होती है
और इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी कैपिटल डी की एस्पेक्ट वैल्यू। हमें क्या करना है, जब भी हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे 3, तो हमें क्या करना होगा, 3 की यानी आपको 3 कहाँ से मिल रहा है, जैसे जे प्लस आपका हो जाएगा जे के लिए कितनी 3, और आपको 66 ऐड कर देना होगा, और यहाँ पर परसेंट सी हो जाएगा, तो बाकी आपका वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब जितने भी पैटर्न हैं, इन पैटर्न्स को हम कोड ब्लॉक्स पे इनके प्रोग्राम को लिख करके देखते हैं, और देखते हैं कि कितने अभी तक हमारे लॉजिक सही है, हमारा कितना प्रोग्राम सही है। तो ये हमने कोड ब्लॉक्स पर जो पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, यहाँ पर आई जो डिनोट कर रहा है रो को डिनोट कर रहा है, और जे जो है कॉलम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है 2 वेरिएबल लिए हैं आई और जे। यहाँ पर फिर हमने आउटर फॉर लूप यूज किया है, ये आपका है आउटर फॉर लूप, और एक है आपका है इनर फॉर लूप, और इसमें हमने प्रिंट अप किया है स्टार को। बाकी जो आपका आपको पूरा प्रोग्राम समझा दिया था, इसको हम बिल्ड कर लेते हैं एक बार, और जीरो एरर जीरो वार्निंग है, इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है पूरा पैटर्न प्रिंट हो गया है, इस तरह का आपका पैटर्न था। ये आपका पैटर्न। अब हम देखते हैं कि दूसरा वाला पैटर्न, तो हम इसी वाला प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमारा दूसरा पैटर्न था कि नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। आपका जो है नंबर कुछ था कि फर्स्ट रो में 3 था, सेकंड रो में 3 और फिर 2, फिर थर्ड में 3, 2, 1, कुछ इस तरह से था। हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था परसेंट डी और जे को हमने प्रिंट कराया था, बाकी जो है आपका पूरा जो है सब पैटर्न प्रिंट हो गया था इसी पर। हम इसको बिल्ड करते हैं, जब भी हम प्रोग्राम में थोड़ा भी चेंज करेंगे तो हमें बिल्ड करना होगा, और उसके बाद से हम रन कराएंगे उसको। ये देखिए आपका यहाँ पर ये भी पैटर्न पूरा प्रिंट हो गया है। यहाँ पर आपका फर्स्ट रो में आपका है 3, फिर सेकंड में 3, 2, थर्ड में आपका है 3, 2, 1। अब हम देखते हैं कि तीसरा वाला पैटर्न हमारा प्रोग्राम वो सही था या नहीं था। तो तीसरे वाले में हमारा क्या था कि फर्स्ट रो में 3 था, फिर सेकंड रो में आपका 3, सॉरी सेकंड में आपका 2 और फिर 3, थर्ड में आपका था 1, 2, 3 था, ठीक है। तो हमने क्या किया था इसमें कि एक और वेरिएबल हमने यूज किया था, और उसको हमने m लिया, और यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज किया m को एब्सोल्यूट वैल्यू i, ठीक है। अगर आपको एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में नहीं पता है, तो C++ में जो होता है एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, और इसका काम इतना होता है कि इसके अंदर जो भी पैरामीटर होता है, ये आपका यहाँ पर i पैरामीटर है, तो जो भी पैरामीटर होता है वो जो है इसमें जाता है, तो ये जो फंक्शन है पूरा नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि जो भी इसमें जाएगा पैरामीटर वो पॉजिटिव होकर के आएगा। अगर सपोज -6 दिया हमने इसको इनपुट, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है पूरा फंक्शन ये रिटर्न करेगा हमें +6, तो इसका इतना ही मतलब होता है। तो हमने यहाँ पर m को इनिशियलाइज किया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i से, और हमने क्या किया था यहाँ पर जो है m को इंक्रीमेंट किया था, जितनी भी बार ये चलेगा इनर फॉर लूप उतनी बार इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पर प्रिंट कराया था m की वैल्यू को, ठीक है। अब इसको हम बिल्ड करेंगे और देखते हैं सब कुछ वैसे सही होगा, लेकिन हमें बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो है जब भी हम कोई चेंज करेंगे तो हमें बिल्ड करना पड़ेगा, तभी वो जो है चेंज उसका इफेक्ट ले पाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा पूरा पैटर्न इसमें भी प्रिंट हो गया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पैटर्न की तरफ, और अगले वाले पैटर्न में हमारा क्या था कि जो भी हमें प्रिंट कराना था वो सब कैरेक्टर प्रिंट कराने थे। हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, परसेंट सी, और यहाँ पर आपका रहेगा जे, ठीक है। अब जे की वैल्यू कहाँ से होगी, 3 से होगी, लेकिन जो आपका कैपिटल डी प्रिंट कराना था स्टार्टिंग में, तो कैपिटल डी का होता है ASCII वैल्यू होता है 69, ठीक है। तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 3 में, आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर 66 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 66 प्लस जे, और आपको एम प्लस प्लस इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी आप m को हटा सकते हो। अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्ड, और बिल्ड करने के बाद से सॉरी
ये क्या दे रहा है, एरर एम अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। ओके, यहाँ पर जो है आप हमने एम को नहीं हटाया है। अब हम इसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो अब देखते हैं, वैसे एरर जीरो है और वार्निंग भी जीरो है। इसको रन किया, अब ये आपका ये वाला भी पैटर्न प्रिंट हो गया। सो यहाँ पर हमने कैपिटल इसे प्रिंट कराया, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपका आस्काई वैल्यू होता है वो होता है कैपिटल ए का 65। ओके, सो यहाँ पर हमें जो है ऐड करना पड़ेगा 65, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो 65 वो कैपिटल ए का होता है, और इस तरह से जो है कैपिटल डी का हो जाएगा 68। ठीक है, तो इसको अब आप बिल्ड करके रन कराओगे तो आपका जो है पूरा पैटर्न सही से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, आपको जो प्रिंट कराना था यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया है। आपको जो है यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो भी हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं कैपिटल लेटर्स के, उनके जो है क्या जो है आस्काई वैल्यूज हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे और उसका जो है परसेंट सी जो यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम चार पैटर्न को आसानी से प्रिंट करा सकते हैं, और आगे की वीडियो जब हम देखेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।